नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी और मैं बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी भर्ती लेकर आया हूँ जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपके यहाँ पर फिफ्थ पास है, पांचवी पास है, आठवीं पास है, दसवीं पास है या बारहवीं पास है। अगर आप पांचवी पास है, बारहवीं पास है, दसवीं पास है तो ये भर्ती स्पेशली आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं यार हमने तो फिफ्थ कर रखी है, हमने तो एट्थ पास है, हमको तो कौन सी क्या ही नौकरी मिलेगी। ये पांचवी पास, आठवीं पास, दसवीं पास और बारहवीं पास जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए भर्ती है और कोई छोटी मोटी नहीं, सरकारी भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर एक और ग्रामीण आंगनवाड़ी भर्ती निकल कर आ गई है। तो बात करें आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती की, तो वो आपके यहाँ पर है WCD यानी कि वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आंगनवाड़ी भर्ती 2023, जिसको कि निकाला गया है आपके यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस भर्ती को निकाला है। और बात करें आप यहाँ पर इस भर्ती के अंदर, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आप पांचवी पास हो तो भी चलेगा, आप आठवीं पास तो भी चलेगा, आप दसवीं पास तो भी चलेगा, बारहवीं पास तो भी चलेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है और स्पेशली ये नौकरी महिलाओं के लिए है जो कि ग्रामीण एरिया के अंदर रहती हैं। तो इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या आपकी शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करना आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और अप्लाई करने के बाद में इसमें जो चयन है, आपका सिलेक्शन है, वो चयन है आंगनवाड़ी के अंदर वो किस बेस पे होगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, और अभी भर्ती कहाँ के अंदर है, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, और इसके साथ साथ आपका आंगनवाड़ी में सिलेक्शन यानी कि चयन होने के बाद आपको कितनी सैलरी यानी कितना वेतन मिलने वाला है, इस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो आंगनवाड़ी की भर्ती निकली हुई है इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक पूरी जरूर देखना, तभी आपको इसके बारे में A to Z डिटेल्स मिल पाएंगे, क्योंकि आप में से काफी लोग वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, इसलिए आप पहले ही वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट्स, जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है उनको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आपको उनकी जानकारी अपने फोन पर मिल जाए सबसे पहले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें आपके यहाँ पर हम आज की भर्ती की, तो वो है आपके यहाँ पर WCD यानी वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आंगनवाड़ी भर्ती 2023। आंगनवाड़ी के अंदर ये भर्ती निकली हुई है, जिसको निकालने वाली संस्था है वो आती है इसके अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपकी ये जो भर्ती है आती है उसके द्वारा निकाली जाती है। और बात करें आपके यहाँ पर इसके अंदर पद की, कि आंगनवाड़ी की इस भर्ती के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से पद है जिनके ऊपर ये भर्ती निकली हुई है, तो आपके जो पद है वो है आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर, जिसके आपके यहाँ पर 246 पोस्ट है। उसके बाद आपके यहाँ पर है आंगनवाड़ी वर्कर, जिसके आपके यहाँ पर 146 पोस्ट है। बात करें आपके यहाँ पर इसके अंदर तीसरी पोस्ट वो है आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी मिनी वर्कर, जिसकी यहाँ पर 16 पोस्ट खाली है इस भर्ती के अंदर। आपके आंगनवाड़ी हेल्पर के 246, आंगनवाड़ी वर्कर की 140 और आंगनवाड़ी मिनी वर्कर की 16 पोस्ट खाली हैं। और बात करें इसके साथ साथ इसके अंदर कि इनमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप अगर फिफ्थ पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एट्थ पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप टेंथ पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ट्वेल्थ पास हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर स्पेशल बात क्या है कि ये जो भर्ती है आपकी स्पेशली वुमेन यानी कि वुमेन्स के लिए है, आपके यहाँ पर महिलाओं के लिए है, जो महिलाएं गाँव में आती हैं, जो अपने गाँव में अपना काम करती हैं उनके लिए ये भर्ती है मोस्टली। तो आपका जो कोई भी रिलेटिव है जो गांव के अंदर है, जिससे उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और बात करें इसके अंदर एज लिमिट की, यानी कि आपकी कितनी आयु मांगी गई है, तो इसके अंदर अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो पक्का उम्मीद रखता हूँ कि जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 99% लोगों की जो उम्र है वो 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में ही होगी, तो ये आपके लिए ही भर्ती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आयु में छूट का प्रावधान भी है, वो भी आपके यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि इसके अंदर आयु में छूट का प्रावधान है वो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर अलग अलग
कास्ट होती हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो हर कैटेगरी को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आयु में छूट का प्रावधान भी है, यानी कि आपकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग आयु में छूट दी जाएगी। जिसकी आप डिटेल में जानकारी अगर देखना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसकी विज्ञप्ति है, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अब बात करें आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी, यानी कि आपके जो फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होंगे, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपका जो फॉर्म भरना है वो आपके यहाँ पर 22 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपके यहाँ पर 14 अगस्त, यानी कि 22 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ बात करें आपके यहाँ पर फीस की, कि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पर कितनी फीस लगने वाली है, तो इसमें अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, यानी कि इसके अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस, कोई भी रुपए नहीं देने हैं, इसमें अप्लाई करना आपका बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके यहाँ पर इसमें अप्लाई मोड, यानी कि इसमें अप्लाई करना किस प्रकार से, आप इसके अंदर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो आपके यहाँ पर ऑफलाइन है, यानी कि इसमें आपका जो अप्लाई मोड है वो आपका ऑफलाइन है, आप इसके अंदर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। और इसके साथ साथ बात करें आपके यहाँ पर चयन प्रक्रिया की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो किस पे होगा, आपका बेस्ड ऑन इंटरव्यू, यानी कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ फॉर्म भर देना है, फिर आपको वहाँ बुलाया जाएगा, फिर आपके इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ बात करें आपके यहाँ पर जॉब लोकेशन की, कि आपकी जो आंगनवाड़ी भर्ती है कहाँ पर निकली हुई है, तो ये है आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश MP के अंदर भर्ती और निकली हुई है। और इसके साथ साथ बात करें आपके यहाँ पर अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर ये भर्ती निकली हुई है, जिसका जो मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखिए ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर जो राजस्थान के अंदर भर्ती निकली हुई है उसके बारे में मैंने पूरी पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो आप इस वीडियो को जाकर देखें, आपको राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ भर्ती निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को संपूर्ण रूप से देख लें। और इसके साथ साथ ये जो भर्ती है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है, और ये जो ऑफिशियल विज्ञप्ति, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका जो लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्पेशल बात और है, वो यह है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप जहाँ से, जिस ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हो, आप उसी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होना आवश्यक है, आपको उसी क्षेत्र का, आपके पास वो कार्ड वगैरह होना चाहिए कि मैं यहीं की मूल निवासी हूँ, तभी आपको उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके पास वहाँ का मूल, जहाँ जिस भी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, जहाँ भी आपकी एक ग्रामीण आंगनवाड़ी आती है, अगर आप उस क्षेत्र का आपके पास में मूल निवास है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बाद में काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं यहाँ रहती हूँ और मेरा गांव वहाँ पे है, तो मैं क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, वहाँ पे कर सकती हूँ? तो जो आपका गांव है, जो आपका मूल निवास है, जो आपके मूल निवास में या आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है, वो जहाँ का एड्रेस है, आप उसी ग्रामीण एरिया में आंगनवाड़ी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और आपके जो भी कजिन्स हैं आसपास के, आप हर किसी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप पता किसको इस जॉब की जरूरत हो, और आपके एक शेयर करने से उसको इसके बारे में जानकारी मिल जाए, उसको जॉब मिल जाए, वो भी एक सरकारी नौकरी। और इसके साथ साथ दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, और आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको डिसलाइक करें, लेकिन अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया, अपनी कोई ना कोई राय कमेंट के रूप में लिखकर जरूर जाएं। और दोस्तों एक और खास बात यह है कि आप लोग, ज़्यादातर लोग देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप ना तो लाइक करते हो ना ही आप सब्सक्राइब करते हो। देखिए मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाता हूँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो, इससे आपको ही फायदा होगा। जो अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती आती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही अलग अलग भर्तियों के बारे में, अलग अलग गवर्नमेंट अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट।
ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।